अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आप एक नाम है सैयद साजिद के साथ। आज का हमारा टॉपिक है मोनोपली इजारादारी। इजारादारी मुकम्मल मुकाबले की जिद है। क्वेश्चन नंबर वन, इन मोनोपली देयर। देखिए, इजारादारी के तहत मंडी के अंदर जस्ट एक फर्म मौजूद होती है जिसे कुल इख्तियार हासिल होता है शेयर को पैदा करने का और शेयर को सेल करने का। ऑप्शन नंबर वन आंसर है इज़ वन सेलर। इन मोनोपली ऑफ न्यू फर्म्स, इजारादारी के तहत ना कोई नई फर्म मंडी के अंदर दाखिल हो सकती है ना कोई पुरानी फर्म मंडी को यानी मार्केट को छोड़कर जा सकती है। ऑप्शन नंबर वन आंसर है कैन नॉट इंटर एंड एग्जिट। इन नेचुरल मोनोपली, जो कुदरती इजारादारी होती है, द मेन कंसिडरेशन इज गिवन टू द गवर्नमेंट वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर टू आंसर है पब्लिक वेलफेयर। ए मोनोपलिस्ट, मोनोपलिस्ट का मतलब होता है इजारादाराना मुकाबला। इजारादाराना मुकाबले के तहत जो फर्में होती हैं वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर वन कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट इज़ ए प्राइस टेक, कैन इन्फ्लुएंस दी मार्केट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है इन मोनोपली टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एज। इजारादारी के तहत जब कुल हासिल में इजाफा होता है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कॉन्स्टेंट रेट, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर टू आंसर है डिक्रीजिंग रेट। इन केस ऑफ मोनोपली इजारादारी के तहत व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, जब कुल हासिल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारी मार्जिन रेवेन्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। मार्जिन रेवेन्यू राइजेस, मार्जिन रेवेन्यू फॉल्स, मार्जिन रेवेन्यू ज़ीरो। ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है इन केस ऑफ मोनोपली टोटल रेवेन्यू फॉल्स। इजारादारी के तहत जब कुल हासिल गिरता है, ऑप्शन नंबर वन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, लेस देन यूनिटी। ऑप्शन नंबर थ्री आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन यूनिटी। व्हाट साइज फर्म इज़ द बेस्ट सूटेड फॉर प्रमोशन, यानी फर्म का वो कौन सा साइज़ होता है जो बेस्ट होता है प्रमोशन करना, न्यू इन्वेशन एंड मार्केट इनोवेशन, नए इजादात की प्रमोशन करना। ऑप्शन नंबर वन रिलेटिवली स्मॉल, मीडियम साइज, एवरेज साइज, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर फोर आंसर है नन ऑफ दीज। इन केस ऑफ मोनोपली व्हेन टोटल रेवेन्यू इज़ मैक्सिमम, देन इजारादारी के तहत जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर आंसर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू यूनिटी। द स्लोप ऑफ, स्लोप का मतलब होता है झुकाव। पी इज़ ए फंक्शन ऑफ क्यू, पी डिपेंडेड है और क्यू इनडिपेंडेंट है इज़। अब हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू क्यू के हिसाब से हम डेरिवेटिव लेंगे। ऑप्शन नंबर वन आंसर है डी पी ओवर या विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। इन मोनोपोली द कॉस्ट कर्व आर, इजारादारी के तहत जो लागत का खत होता है, सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन, नॉट सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन, यू शेप्ड, एल शेप्ड। ऑप्शन नंबर वन आंसर है ये सिमिलर होते हैं टू परफेक्ट कंपटीशन, मुकम्मल मुकाबले के खत की तरह। व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स, जब औसत लागत का खत गिरता है इन मोनोपोली इजारादारी के तहत, देन मार्जिन रेवेन्यू कर्व, जो मुक्ततम हासिल का खत है, आल्सो फॉल्स, राइजेस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर वन आंसर है आल्सो फॉल्स। ए फर्म इन केस ऑफ मोनोपोली इज, इजारादारी के तहत जो फर्म होती है उसे हम प्राइस मेकर भी कहते हैं और प्राइस सेटर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर टू आंसर है प्राइस सेटर। द प्राइस सेटर फर्म इज वन विच, इजारादारी के तहत जो फर्म होती है वो अशिया की कीमत मार्केट के अंदर यानी मंडी के अंदर जितनी भी गुड्स अवेलेबल होती हैं उनकी कीमतों पर असरअंदाज हो सकती है। ऑप्शन नंबर वन कैन इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइसेस, कैन नॉट इन्फ्लुएंस दी मार्केट प्राइसेस, कैन नॉट इफेक्ट दी राइज ऑफ प्राइसेस, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर वन आंसर है
इन केस ऑफ मोनोपोली द प्राइसेस चार्ज अगेंस्ट एडिशनल यूनिट इज नॉट डिफरेंट सेम नॉट सेम ज़ीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है नॉट सेम। इन केस ऑफ मोनोपोली इजारादारी के तहत मार्जिन रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू इज़ लेस देन एवरेज रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है जो मार्जिन रेवेन्यू का जो खत होता है वो लेस देन होता है एवरेज रेवेन्यू यानी औसत हासिल के खत से। फॉलोइंग इनवर्स डिमांड फंक्शन, इन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। जो डिमांड फंक्शन है पी इज़ ए फंक्शन ऑफ क्यू, पी डिपेंडेंट है और क्यू इंडिपेंडेंट है। द फार्मूला इज़, हमारे पास ये फार्मूला गिवन है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 ओवर डी पी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू प्लस क्यू ओवर पी। आंसर है द फार्मूला शोइंग द रिलेशनशिप, ये जो फार्मूला शो करता है रिलेशनशिप ताल्लुक बिटवीन मार्जिन रेवेन्यू प्राइस एंड ई इज एम इज इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 ओवर ई ब्रैकेट क्लोज। आंसर है सोशल कॉस्ट इक्वल प्राइवेट कॉस्ट कॉस्ट व्हेन मार्जिन कॉस्ट इज जीरो, मार्जिन कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट कॉस्ट आर जीरो। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है कंपेयर टू परफेक्ट कंपटीशन ए मोनोपोली विल। अब हम मुआवजा करते हैं मुकम्मल मुकाबला और इजारादारी का। चार्ज ए हाई प्राइस प्रोड्यूस मोर आउटपुट हैव लोअर एवरेज कॉस्ट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है चार्ज ए हाई प्राइस। इन मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन टोटल कॉस्ट कर्व आर डिफरेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, नॉट सिमिलर होते हैं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है सिमिलर। द मोनोपोलिस्ट इजारादाराना इज द इक्विलिब्रियम व्हेन द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट को जो झुकाव होता है इज इक्वल टू बराबर होता है स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है टोटल रेवेन्यू। द आउटपुट वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू रिप्रेजेंट पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट, लोड पॉइंट, शट डाउन पॉइंट। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट। इन केस ऑफ मोर देन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्केल ऑफ प्लांट दी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट आर फॉलिंग राइजिंग कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है राइजिंग यानी बढ़ना। व्हेन जब सेल टैक्स इज इम्पोस्ट, जब सेल टैक्स लगा दिया जाता है ऑन द मोनोपोलिस्ट इजारादार मुकाबले के तहत इट इज़, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आउटपुट इज इफेक्टेड, इक्विलिब्रियम इज ए इफेक्टेड, प्राइसेस आर इफेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है इक्विलिब्रियम इज इफेक्टेड यानी तवाज़ुन के ऊपर असर पड़ता है। द एक्ट ऑफ चार्जिंग टू डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स, देखिए हमारे पास एक गुड्स अवेलेबल है वो सेम है लेकिन जो हम उनकी जो प्राइसेस यानी कीमतें वसूल करते हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। बाय द मोनोपोलिस्ट इज कॉल्ड इजारादाराना मुकाबले के तहत प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस स्पेसिफिकेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मीन का मतलब होता है इम्तियाजी कीमत। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स, ज़रूरत होती है डेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुड बी। ऑप्शन नंबर 1 सेम, ऑप्शन नंबर 2 डिफरेंट, ऑप्शन नंबर 3 इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है डिफरेंट। अंडर डिस्क्रिमिनेशन द बायर्स मस्ट बी सिमिलर होते हैं, नॉट बी सिमिलर होते हैं, इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है नॉट बी सिमिलर यानी जो बायर इम्तियाजी कीमत के तहत जो बायर्स
बेचने वाले होते हैं वो सिमिलर नहीं होते, खरीदने वाले सॉरी बायर होते हैं खरीदने वाले। डंपिंग इज इंटरनेशनल डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर वन आंस है मोनोपोली। इन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस टेक अवे ऑल ऑफ। ऑप्शन नंबर वन प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर प्रॉफिट, कंज्यूमर सरप्लस। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है कंज्यूमर सरप्लस। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो लागत है पैदाइश है, डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस्ट इन टू मार्केट्स आर सेम। ऑप्शन नंबर वन नॉट सेम, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर वन आंस है सेम। द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट विद डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर हायर, लोअर, इक्वल। ऑप्शन नंबर वन आंस है हायर। द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन द सेम आउटपुट फ्रॉम टू प्लांट्स इज कंसर्न्ड विद सिंगल प्लांट मोनोपोलिस्ट, मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट, टू प्लांट मोनोपोलिस्ट। ऑप्शन नंबर टू आंस है मल्टी प्लांट मोनोपोलिस्ट। द मोनोपोलिस्ट यानी इजारा दाराना के तहत ऑफन लीड टू एक्सप्लोटेशन ऑफ प्रोड्यूसर वर्कर्स कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है कंज्यूमर्स। दिस सिचुएशन ऑफ सिंगल बायर एंड सेलर इज कॉल्ड, यानी अशा को खरीदने वाला और बेचने वाला एक एक होता है। ऑप्शन नंबर टू आंस है बिलेटरल मोनोपोली, बिलेटरल। द मोनोपोलिस्ट सेल्स, इजारा दार मुकाबले के तहत जब गुड्स को सेल किया जाता है, जो अशा होती हैं वो एक जैसी नहीं होती। होमोजीनियस गुड्स, हेट्रोजीनियस गुड्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर टू आंस है हेट्रोजीनियस गुड्स। अनलाइक कंपटीशन इन मोनोपोली प्राइस सेलिंग ऑफन डज नॉट रिड्यूस प्रॉफिट, रिड्यूस प्राइस, कॉज शॉर्टेज, रिड्यूस कॉस्ट। ऑप्शन नंबर थ्री आंस है कॉज शॉर्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकंसिस्टेंट विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर वन आंस है एक्स इनएफिशिएंसी या लम सम टैक्सेस।